ऑलराइट दोस्तों, सिलिकॉन कार्बन के बारे में बहुत बात हो रही है आजकल। द इंडस्ट्रीज लीडिंग थर्ड जनरेशन सिलिकॉन एनोड टेक्नोलॉजी। इट्स आवर फर्स्ट एवर लिथियम सिलिकॉन ड्यूअल सेल बैटरी टू शिप वर्ल्ड वाइड। न्यू जनरेशन सिलिकॉन कार्बन एनोड इज बेसिकली अ की इनोवेशन। बहुत लोगों ने सवाल भी पूछे एंड वन ऑफ द मेन रीजंस एंड विजन इस चैनल का यही है कि आप तक इंफॉर्मेशन बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से पहुंचे ताकि आपको पता चले टेक। So we try to explain tech in a very easy language. अभी तक भी अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सिलिकॉन कार्बन और लिथियम आयन बैटरीज में डिफरेंस क्या है तो शायद ही कोई बता पाएगा, वेरी वेरी फ्यू पीपल। तो ये जो क्विक वीडियो होने वाला है 4-5 मिनट का ही है, लेकिन आपको पता चलेगा कि क्यों आज के स्मार्टफोन्स की बैटरीज बढ़ गई है। पहले हम 5000 कहते थे, अब उसी साइज में 6-6.5-7000 mAh की बैटरीज मिल रहे हैं हमें। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले स्टिक अराउंड, वेट फॉर इट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। लेट अस स्टार्ट। मुझे पहले ना थोड़ा वर्किंग जो होता है बैटरी का वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना होगा, बिकॉज आई थिंक हम ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करते हैं कभी भी। बहुत ही अगर सिंपली आपको बताना है तो बैटरी के अंदर दोस्तों बहुत सारे पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, और एक चीज होती है इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बीच में, बेसिकली लिक्विड होता है वो। अब जब भी आपकी बैटरी चार्ज होती है तब पॉजिटिव से ये जो लिक्विड है उसके अंदर जो आयन्स है उसके बारे में बताने वाला हूं, आयन्स है वो नेगेटिव की तरफ जाते हैं, एंड जब डिस्चार्ज हो रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। तो अगर बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज है तो पॉजिटिव फुल होगा, अगर बैटरी फुल्ली चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ आयन्स फुल होंगे। अब ये बहुत सिंप्लीफाई हो गया, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। पहले दोस्तों ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते थे, नोड्स होते थे, वॉल्स जैसे मैंने कहा, वो ग्रेफाइट के होते थे और उसके ऊपर एल्यूमिनियम या कॉपर की लेयरिंग होती थी, अब वो सिलिकॉन के हो गए। अब सिलिकॉन के हो गए इसका मतलब क्या, क्यों हो गए, क्योंकि उनकी कैपेसिटी ज्यादा है आयंस होल्ड करने के लिए। अब मैं आपको एक एनालॉजी एग्जांपल दूं तो आपके किचन में स्पंज होता है, सेम साइज का स्पंज है लेकिन एक स्पंज में 100 ml वाटर अब्सॉर्ब हो जाएगा, दूसरी की कैपेसिटी 200 300 500 की है अब्सॉर्ब करने की वाटर, तो वो ज्यादा होल्ड करेगा वाटर को। वैसे ही कुछ सिलिकॉन है एज कंपेयर टू ग्रेफाइट, तो बेसिक डिफरेंस कैपेसिटी सिलिकॉन की ज्यादा है, इनफैक्ट इससे भी बहुत ज्यादा है। ऐसे नहीं है कि वो और वाटर होल्ड नहीं कर पाएगा और चार्ज और आयंस नहीं होल्ड कर पाएगा, मतलब बैटरी कैपेसिटी थियोरेटिकली उतने ही साइज में 10,000 15,000 12,000 13,000 mAh तक भी जा सकती है, लेकिन जितना ज्यादा वो होल्ड करेगा उस आयन को इट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल, यस इट माइट कैच फायर या ऐसी सब चीजें। तो कैपेसिटी उसकी ज्यादा है लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वी कैन गो ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो अगर मैं बैटरीज के बारे में बात करूं तो हमें 6.5-7-8-9,000 तक की भी मिलेगी लेकिन उससे ज्यादा नहीं, मतलब सेम साइज में ज्यादा कैपेसिटी, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा आयंस होल्ड कर रहा है। जब वो चार्ज होता है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, जब डिस्चार्ज होता है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, एंड वो जो कैपेसिटी होती है इसीलिए सिलिकॉन कार्बन की होती है। अब कार्बन क्यों, ये सिलिकॉन का हो गया, कार्बन जो है दोस्तों एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, सिलिकॉन की कैपेसिटी ज्यादा है, एक स्टेबलाइजिंग मटेरियल चाहिए जिसकी वजह से दे विल बी इन अ स्टेट, नॉर्मल स्टेट में रहेंगे, हीट अप वगैरह ज्यादा नहीं होंगे, सो दैट इज व्हाट इट इज, दैट्स व्हाई सिलिकॉन कार्बन बैटरी। अब सिलिकॉन कार्बन के प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही है, एडवांटेजेस भी है डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस ऑब्वियसली कैपेसिटी ज्यादा मिलती है आपको, चार्ज साइकल्स ज्यादा मिलते हैं आपको, बैटरी लाइफ ज्यादा मिलती है आपको, एंड चार्जिंग उधर भी फास्ट चार्जिंग को वो सपोर्ट करता है। अब कॉन्स क्या है दोस्तों, देखिए हम लिथियम आयन बैटरीज जो ग्रेफाइट के साथ होती है वो सालों से इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट वो एक टेक्नोलॉजी है ज्यादा चेंज नहीं हुई है, तो ट्राइड एंड टेस्टेड है ओवर टेन्स ऑफ इयर्स, उसकी वजह से वो बैटरी स्टेबल होती है। अब सिलिकॉन कार्बन बैटरीज जो है अभी आए हुए हैं, ऑब्वियसली साइंटिस्ट फिजिसिस्ट सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से टेस्ट किया हुआ है उसे और उसके बाद में ही वो आए हुए, बट अभी भी रियल वर्ल्ड में अगर अगले 10 साल के बाद आप बैटरी इस्तेमाल कर रहे हो उसका क्या होगा ये पता नहीं है, इट इज अ न्यूअर टेक्नोलॉजी, इनहेरेंट रिस्क है वो। और दूसरा कौन, अभी तो कॉस्ट जो है वो सिलिकॉन कार्बन की ज्यादा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कम हो जाएगी जैसे जैसे सब लोग इस्तेमाल करने लगेंगे, ज्यादा वॉल्यूम्स हो जाएंगे, बट हाँ अभी फॉर प्रेजेंट इट इज लिटिल एक्सपेंसिव। अब दोस्तों एक चीज मुझे देखनी है, अब स्मार्टफोन्स बड़े होते हैं उधर, यू नो यू कैन हैव दिस साइज, लेकिन वेरेबल्स में TWS में वगैरह मुझे सिलिकॉन कार्बन बैटरीज उधर इस्तेमाल हुए देखने, क्योंकि डेफिनेटली मतलब जहां पे ईयरबड्स में आपको 3-4 घंटे का वन यूसेज में मिलता है वहीं सिलिकॉन कार्बन के साथ शायद आपको 8-10 घंटे का यूसेज मिलेगा, एंड केस में अब 30-40 घंटे का मिलता है, शायद 100 घंटे का आपको मिलेगा, सो वी डोंट नो बट आई वॉन्ट टू सी दैट, एंड आई थिंक
वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट। चलिए आपको एक ये पॉज करके जरूर देखिएगा कि अलग अलग प्राइस रेंज में किस किस स्मार्टफोन्स में अभी आपको सिलिकॉन कार्बन बैटरीज मिल रहे हैं। मैं ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, पॉज करके देखिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बट दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, या उन्हें भी फायदा होगा। वैसे हमने आपको इतनी सारी चीजें बताई, आपको कमेंट्स में एक चीज जरूर बतानी है, सबसे पहला सिलिकॉन कार्बन बैटरी बेस्ड स्मार्टफोन कौन सा था, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नो चीटिंग, डू इट राइट नाउ। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे बहुत सारे सीरीज लेके आए, दिस इज अ सीरीज, इन्फॉर्मेटिव सीरीज हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, तो उसके लिए जरूर रुकिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।